राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? सरिया कानून से देश चलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात कर पिछले दरवाजे से देश में सरिया कानून लाने का बात करती है। और ये दिग्गी राजा इनसे भी दो कदम आगे, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं, देखने के बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा, ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को ये गले लगाते हैं। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं, और सीएए के समर्थक पर लाठी चलाने का काम। भाई और बहनों, मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए ना? ये बता देना बंटाधार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे, नहीं बना देंगे।